अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हैप्पी होली। अरे भाइयों, ये तो वही लगता है, खूनी। जिस लड़की पे मरता था उसी की जान ले लिया। अरे हाँ, लग तो वही रहा है। आशिक दीवाना जेल से भाग कर आया है। लगता है होली के लिए भाग के आया है। सुना है बचपन से ही बड़ा पसंद है इसे होली का त्योहार। तो एक काम करते हैं, इसके साथ खेलते हैं होली। देख लो भाई, रंग की खेलनी है या खून की होली। शेर के मुंह में एक बार खून लग गया ना तो उसे और कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या हो गया, गुस्सा आ रहा है खूनी को? अबे भाई को गुस्सा मत दिला वरना हमारा भी खून कर देगा ये। अच्छा, हमारा खून कर देगा? तो कुछ भी कर ले, तेरे साथ तो हम होली खेल कर रहेंगे। हमें रोकने वाला यहाँ कोई नहीं है। अरे अरे अरे, कहाँ? अब तो तुझे रंग लगा कर रहेंगे, तेरे साथ तो हम खेलेंगे होली। बोला ना, होली नहीं खेलते, हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना है। अच्छा चल ठीक है, तुझे कलर वाली होली नहीं खेलनी। एक काम करते हैं, प्रयागराज को आज बनाते हैं बरसाना और खेलते लठ मारने वाली होली। नहीं कहीं का, दोबारा यहां दिखाना तो जान से मार दूंगा। और आता हीरो बनने। हीरो हिम्मत कहते हो इस बात को हाथ लगाने की? क्या कर रहे हो ये? हाँ, अगर इनके पास भी आए तो ठीक नहीं होगा। ए मैडम जी, ज्यादा लक्ष्मी बाई बनने की कोशिश मत करो, वरना देश के लिए नहीं इस पागल के लिए मरना पड़ेगा। सीधा जान ले लेता है ये खूनी। खूनी? खूनी कैसे बोला? हाँ, खूनी को खूनी नहीं बोलेंगे,
तो क्या हीरो बोलेंगे? भाई साहब, ये होली की मिठाई है। दरअसल हमारी बेटी मीरा कई सालों के बाद घर लौटी है ना, तो उसी खुशी में हम मिठाई बांट रहे हैं। अरे बधाई भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। कहाँ है मीरा बिटिया? तुम कौन होते हो उन्हें नाम या सजा देने वाले? और अगर उनसे कोई गलती हो भी गई तो उसकी सजा वो भुगत चुके हैं। ये लड़की, ओए चाहता ना वकील मत बन, कचहरी नहीं चल रही है, समझे ना। उसके साथ जो हमें करना है वो हम करके रहेंगे। अच्छा तेरे दिल में क्यों इतनी आग लगी हुई है? तूने भी इसे प्यार कर लिया है क्या? ये लड़की, जिंदगी प्यारी नहीं है तो जहर खा ले, ये है ना, तेरे को बहुत बुरी मौत देगा। लोग ऐसे नहीं मानोगे। हटो, पटक चला देंगे तुम्हें। पार्थ, 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 आके खोलिए। हेलो, एम्बुलेंस, दीदा जी। आज की तारीख मैं किसे भूल गई? आज की तारीख, आज का दिन, आज तुम्हारी रिहाई होने वाली थी ना। पायल को छत से धक्का हमने दिया। हमें माफ कर दो, हमें परसों तक याद था, ये घर की पार्टी की वजह से ना सब दिमाग से निकल गया। पार्थ यहाँ, इससे पहले सबके सामने कोई ड्रामा हो हमें इसे यहाँ से भेजना होगा। पार्थ भैया चलिए। दोस्तों, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। मैं आज आप सब लोगों को एक मौका देना चाहता हूं, मौका अपनी अपनी समस्याएं एमएलए साहब के सामने रखने का। आप सबकी हमेशा शिकायत रहती है कि हमारी बात नेताजी तक नहीं पहुंचती, तो लीजिए आज नेताजी आपके सामने हैं, कहिए जो भी कहना है।
चैन मिले जब तू आई ना, समझाऊं कैसे इस धड़कन को साजना, जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। तू आ गया, कैसा है तू? कितना इंतजार कर रहा है, तुम्हें पता है हमें तुम्हारी बहुत याद आया करती थी। हमने भी आपको बहुत याद किया दादी, बहुत याद किया। बस वे। पर तुम्हें पता है, अब तो ना हमें वो सुबह की बात शाम को भी याद नहीं रहती, और हमें पता नहीं था कि आज तुम आने वाले हो। ये सबको देखो, कितने निकम्मे, खुद का बच्चा घर आने वाला है, वो इतनी सुध भी नहीं रही उन लोगों को। चलो तुम हमारे साथ चलो, हमें तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ बताना भी है, और वैसे भी यहाँ रहने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हें पता है लल्ला, ये लोग जिसको सूरज समझकर पूछते हैं ना, वो चंद मिनटों में बुझने वाला दिया है। हम सब समझते हैं, सब जानते हैं, पर हमारा हमारा सूरज तो तुम हो। हमें कमरे में ले जा, लल्ला आ गया। एमएलए साहब ने वायदा कर लिया है कि आप सबकी परेशानियों पे वो जल्द से जल्द काम करना शुरू करेंगे। जी एमएलए साहब। तेरी मैं दीवानी हो ठीक है ना घर? हमें ठीक है ना, बचा रही है उस लड़की ने टाइम पे, पर वैसे वो लड़की है कौन? देखी देखी सी लग रही है। मंजू ये हमारी मीरा है। मीरा? संजीव भाई साहब की बड़ी बेटी, वही जो हमारी दुकानों का हिसाब किताब रखते हैं। बड़े दिनों बाद दिखी यहाँ तो? हाँ, उसे पढ़ाई के लिए बाहर भेजा गया था। ओ, कि वो मीरा है। छाया
हमें तो खाना खाने दो, बहुत भूख लगी है भाई। आप भी ना, जरा सा सब्र नहीं है। अरे बेटी इतने दिनों के बाद घर लौटी है, थोड़ा तो इंतजार करिए, साथ में खाएंगे बस। कल खा लेंगे साथ में, आज छोड़ दो भगवान। नहीं, हमारा परिवार इतने सालों के बाद तो इकट्ठा हुआ है, फिर आप ही का तो कहना है ना कि एक साथ खाना खाने से परिवार के रिश्ते अच्छे भी होते हैं और मजबूत भी बनते हैं। और वैसे भी आज हमने सब उसकी पसंद का खाना बनाया, उसे भी तो स्पेशल फील होना चाहिए ना। ठीक है बाबा, ठीक है, लेकिन वो गई कहाँ है? भूख तो उसे भी लगी होगी। उन्हें कहाँ भूख लगती है, देखना एक दिन उनके दीवानगी हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और पता नहीं इस बार हमें शहर ना छोड़ना पड़े। ओ महारानी, ये अकेले में बैठ के क्या बड़बड़ा रही हो, जरा हमें भी सुनाओ। वैसे तुम्हें तो पता होगा ना कि तुम्हारी प्यारी दीदू कब तक आएगी। आपने नाम लिया और हम आ गए। आ गए। तुम तो होली खेलने गई थी ना? हाँ। लग ही नहीं रहा है कि तुमने होली खेली है, बस ये हल्का सा गुलाल लगा है। छाया तुम भी ना, कितने सवाल करती हो, जवानी में हमें नहीं छोड़ा, बुढ़ापे में बच्चों को नहीं बख्श रही। आप भी ना, कैसी बातें करते हैं, अरे बेटी है हमारी, हम इसे हक से डांटेंगे भी और पूछेंगे भी। और वैसे भी बचपन में हम इसे कितना डांटते थे, लेकिन हमारी एक बात नहीं सुनती थी और बाहर जाके इतनी होली खेलती थी, या तो अपने दोस्तों को भूत बनाकर आती थी या तो खुद भूत बन के आती थी। हमारी प्यारी माँ, वो हम इतने सालों बाद लौटे हैं ना, तो पहले तो हमारे फ्रेंड्स हमें देखकर चौंक गए, उसके बाद इतना खुश हुए और बहुत सारी बातें की, और इतनी बातें की कि इस सब में होली वोली खेलना तो हम भूल ही गए। और आप तो हमें जानती ही है ना, एक बार हम बात करना शुरू करते हैं तो बस। ऐसे करते करते इतना टाइम बीत गया, फिर हमने सोचा कि आप लोग भी हमारी राह देख रहे होंगे ना, तो हम यहाँ आ गए जल्दी। दीवानी सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।